आपको ये रामधारी घर के पास है, मनोज भैया घर के पास ये जो नाला है, अभी आप देख सकते हैं कि ये नाला अभी तक यानी किसी पोल नहीं गरा है। ये देखिए यहाँ पर 4 फीट का गड्ढा या गहरा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको छोटा छोटा बच्चा लोग यहाँ पर आपको खेलता कूदता है। यहाँ बहुत घना आबादी है, उस आबादी का जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक मैं नाला के लिए कितना दिन से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो अभी तक आ जा रहे हैं, कलर अभी तक कोई नहीं आ रहे हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पर पोल लगा हुआ है, रखा हुआ, अभी तक गरा नहीं है। देखिए 4 फीट का ये गड्ढा है, हमेशा यहाँ बच्चा लोग, छोटे छोटे बच्चा लोग खेलता है, कभी भी डर लगा रहता है, कभी भी उसमें कोई घटना घट सकता है। मैंने उसको बोला है, भोला भैया को फ़ोन भी किया और मैं दोबारा उनको फ़ोन कर रहा हूँ। देखे अगर मैं कोशिश करता हूँ कि ताकि वो आके फ़ोन उठाए और कम से कम इस फोन के ज़रिए वो आकर अपना जो काम है वो काम कर ले, क्योंकि ये गड्ढा नहीं कोड़ा रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गड्ढा कोड़ा जाने के बाद ये परेशानी है, ताकि कोई घटना न घटे। अभी मैं 2-3 दिन से मैं बोल रहा हूँ, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा कोई समय नहीं दे रहा है। और ये देख सकते हैं आप, ये आप देखिए, ये आपको बांस के जरिए आपको तार है, ये तार को आप सेटिंग देखिए आप, ये कभी भी कोई घटना घट सकता है। आप इस तार को देख सकते हैं, ये बांस के जरिए तार है। और ये देखिए मेरे सर से, ये आप मेरे सर से सिर्फ ये देखिए 1 बित्ता का दूरी है। आप सोच सकते हैं मेरे सर से 1 बित्ता का दूरी है, और यहाँ पर ढेर सारे बच्चे और महिला लोग चलती रहती है, कभी भी कोई घटना घट सकता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि भोला भैया लोग को कम से कम आके जल्द से जल्द लोग पोल गड़ाए, पोल गड़ा करके अपना कार्य पूरा करें। वार्ड नंबर 14 के नेताजी चौक में अभी हम हैं, आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर वहाँ के आए हुए हैं। यहाँ पर इससे का जो भी सर्वे चल रहा है, वार्ड का निरीक्षण चल रहा है, आप देख सकते हैं ये नेताजी चौक है, ये आपको रेलवे लाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस जगह ये वार्ड है, ये आपको कृष्ण मामा का घर है। इस जगह में सर्वे मेरा चल रहा है, और इस जगह का सर्वे डोर टू डोर सर्वे चल रहा है। अभी मैं सर्वे के लिए मैं आया हूँ और वार्ड में आप देख सकते हैं सर्वे मैं कर रहा हूँ, घर घर में आ रहा हूँ। और अभी देखिए घर शाम के समय मैं अभी आया हूँ, सर्वे चल रहा मेरा और डोर टू डोर है, फिर आगे मैं कार्यक्रम करता हूँ, देखता हूँ कि आइए। देखिए अभी हम आए हैं कृष्ण मामा के यहाँ, उनके लड़के हैं और हमारे लालन भैया है। अभी भैया भी मुलाकात हो गया, इनका रजिस्टर मेंटेन हम लोग कर लिए हैं, अभी बताए जा रहे हैं ड्यूटी में जा रहे हैं। और अभी जो मैं वार्ड से रिलेटेड में काम कर रहा हूँ, और भैया बताइए जो मैं काम कर रहा हूँ आपको क्या उस काम से कैसा लग रहा है, कैसा घटना लग रहा है? हम समझते हैं जो आप लोग काम कर रहे हैं ना, ऐसा पहले कभी कोई नहीं किया होगा, और प्रत्येक घर में जाके सबके प्रति सब कुछ बता रहे हैं, इससे ज़्यादा हम लोग को क्या चाहिए। हमको बहुत खुशी लग रहा है जो आप कर रहे हैं। आप भी बोलिए। बात यह है क्या है कि समस्या बहुत हर एक घर पर है, लेकिन ये क्या है कि हम लोग रोड पे चलते चाय दुकान में बैठ करके किसी का समस्या पता नहीं चल पाया है। जब तक आप उसको वार्ड प्रतिनिधि बने, जब तक उससे घर पे नहीं बैठिएगा, कुछ बात नहीं समझिएगा सुनिए, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना प्रॉब्लम है घर का, वो आपके चाय दुकान रोड दुकान में बात नहीं कर सकता, वो आप उसे घर जाएगा तभी वो बात होगा। इसीलिए मैं सोचा हूँ कि घर घर जाऊँ, मैं अपने आँख से अपने उसका दर्द साथ देखूँ, ताकि मुझे उसको कुछ योजना देने के लिए हमको किसी से पूछना ना पड़े, उसको डायरेक्ट योजना मिल सके, क्योंकि हमको पता रहेगा कि आदमी की परेशानी है। इसी काम के लिए भैया सब काम कर रहे हैं, सब जगह। अभी रोजा का समय, अभी देखिए अभी समय देखिए, अब रोजा खोलने का भी समय हो गया है, लास्ट टाइम है, ताकि कुछ सा टाइम निकालें, ताकि मेरे वार्ड के जनता लोग को इस तरह से काम रोजगार के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि रोजगार मिल सके। ठीक है, तो ठीक है, ताकि पोता भी हुआ है, पोता हुआ, चलिए ठीक है, जन्म दर्ता के लिए भर दिया जाएगा। ठीक है चाचा, हाँ ठीक है, हम खोजिए, हम घर घर पहुँचेगा, हम घर घर पहुँचेंगे, आज नहीं तो कल पहुँचेंगे। ठीक है बाबू, ठीक, प्रणाम। ठीक है, अभी हम श्याम भैया के पास आए हैं, और मतलब श्याम मामा के पास आए हैं, हमारे मामा के दोस्त थे तो मेरे मामा ही लगे, और श्याम मामा के पास आए हैं। अभी मैं अभी आपको सर्वे करने के लिए अभी रोजा खोल के मैं अभी आया हूँ मामा के पास, और कोशिश है 1 घंटा और मैं करूँगा, उसके बाद फिर मैं घर चले जाऊँगा। और अभी मैं सर्वे किया हूँ और इनका भी एंट्री किया मामा लोग का, क्योंकि मेरे वार्ड में ही पढ़ते हैं श्याम मामा, और मैंने इनको पूरा जानकारी दिया है कि मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कैसे वार्ड की डीलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोग शिक्षित व्यक्ति है, इन लोग बेहतर समझते हैं कि हाँ लड्डू क्या काम कर रहा है, इस काम से कितना बेनिफिट होगा, जो एजुकेशन आदमी वो समझ जाएंगे मेरे काम को कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कैसे क्या करना चाह रहे हैं। मैं इस बारे में कुछ इनसे राय मशवरा करना चाहता हूँ, और इनसे मैं राय ले रहा हूँ कि मामा मैं जो कर रहा हूँ वो क्या बेहतर है, इस पर क्या संशोधन किया जा सकता है जिससे और बेहतर हो, बताइए मामा मेरे बारे में। ठीक है लड्डू, तुम्हारा जो काम है, मेहनत है, हम देख के बहुत खुशी है, और इसी तरह से हमारे वार्ड में तुम मेहनत करो, और उम्मीद है भगवान चाहेगा काम अच्छा ही होगा, कोई है? और हम क्या बताएंगे, तुम्हारा मेहनत हम देख रहे हैं, काम बहुत बढ़िया तुम्हारा है, हम लोग सफल रहेगा तुम्हारा। हाँ बिल्कुल, मेहनत सफल होगा आपका, जो काम चल रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे आप। जी जी जी, मैं तो ये जानता हूँ कि भैया जनता का सेवा करिए तो भगवान आपके साथ है, मेरा तो यही नियम है, 10 जनता का साथ भगवान है।
इसका मतलब जब जनता सेवा करिएगा तो आपके साथ अल्लाह भगवान सब चीज़ आप ही के साथ है, क्योंकि जनता के बीच ईश्वर बसता है। बस मैं इसी नियत से, एक सेवा के नियत से मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि मेरे अपने जो मेरे माँ, जो मेरे मेरे माता, मेरे पिता, मेरे अम्मी अबू जो मुझे ज्ञान दिए हैं, जो मुझे पढ़ाए लिखाए हैं, उस चीज़ का ज्ञान का मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मेरे जनता को। देखिए, दुनिया में सब रहने के लिए आए, सब जाने के लिए आए, आज दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं जब मैं दुनिया छोड़ के जाऊँ तो कम से कम मेरे पीठ पे जाए मेरे जनता, कम से कम ये नाम लेके कोई ऐसा काम करके गया है जो कि मेरे जाने के बाद भी मेरे जनता को फ़ायदा पहुँच ही रहा लॉन्ग टाइम तक के लिए। मैं ऐसा काम करने चाहता हूँ ताकि मेरे जनता को, उसके जनरेशन को बेनिफिट होते जाए हमेशा के लिए, है कि नहीं? चलिए मामा, मैं ठीक इसी बात पर मैं आगे निकलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मामा आपका, आपने मेरे बताया। चलिए, बहुत धन्यवाद।